तौर पे आज हम डीएलबी साहब स्मार्ट सिटी नगर निगम के वर्क्स और प्रधानमंत्री अर्बन आवास का रिव्यू करने के हिसाब से आए हैं। जब से हमने ज्वाइन किया तो स्मार्ट सिटी के अजमेर में कुछ कार्य चल रहे हैं, कुछ कार्य प्रारंभ होने हैं, कुछ में थोड़ा बेटरमेंट की आवश्यकता, वो हम लोग सब करेंगे। और जो जन आकांक्षा हमारे मंत्री जी ने भी असेंबली में घोषणा की थी, जन आकांक्षा अनुरूप जो बेस्ट कार्य हो सकते वो लेंगे। उसमें यहाँ पे चाहे बर्ड पार्क है, उसके साथ साथ एलिवेटेड रोड का कार्य है, जो पूरी लिस्ट है ऑलरेडी आप लोगों के ध्यान में है। हॉस्पिटल में कार्य लेना है, उसके अलावा अपने स्टेडियम्स के हैं, और हम लोग ये भी कोशिश करें कुछ एरियाज में रास्ता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ प्रयास करके कोचिंग का भी कुछ एजुकेशन में भी फोकस दें, कुछ हॉस्पिटल में कुछ फोकस दें, जैसे कि पेशेंट्स इक्विपमेंट्स उस पर भी ध्यान रहे। उसमें अभी स्टूडेंट साहब से बात हुई, साहब और सबसे सामने बात हुई, ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ी बात है जो सीवर लाइन्स हैं। मैं कलेक्टर रहा हूँ 2014 में, कई सालों से अटकी हुई है, तो उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। कहाँ कहाँ गैप से मेरे चीफ इंजीनियर भी आए हैं, और यहाँ एडी और नगर निगम साहब बैठ के पूरा प्रयास करेंगे कि वो जो कनेक्शंस हैं लोगों, अभी 80,000 में से 40,000 से कम कनेक्शन दिए हैं, उसको हम बढ़ाएंगे। 35,000 है जो बताया फिगर, तो उसको हम लोग बढ़ाएंगे। कहाँ कमी है, क्यों है, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर का करेंगे, पार्क का करेंगे, बर्ड पार्क का करेंगे। तो जो स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसको और बेहतर तरह से कोचिंग क्लास में, जैसे है ना कई जगह मान लो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टाइप करेंगे, उसमें कुछ यूआईटी नगर निगम सॉरी यूआईटी उसमें कुछ कॉम्पिटेटिव कोचिंग का जैसे कई जगह चलता है ना, वो हम प्रयास करेंगे। उसके अलावा स्टेडियम में, पटेल स्टेडियम है, आज़ाद है, और दूसरे भी जो स्टेडियम है आज़ाद पार्क, उसको भी डेवलप करने का हम पूरी कोशिश करेंगे मंत्री जी और उनसे चर्चा करके हिसाब से। और प्रधानमंत्री अर्बन में हाउसिंग में स्कोप है काफ़ी कुछ करने का, पीछे कुछ कार्य कम हुआ है तो उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर करके पूरा करेंगे। और जब भी बारिश की सफाई है, म्यूनसिपलिटी का रेवेन्यू बढ़े, उस पर भी बात करेंगे। वसूली वगैरह की जो करेंगे, वसूली का जो टारगेट्स है वो बेटर हो, और प्रॉपर सर्वे भी अच्छे से हो उसके, और ब्याज पेनल्टी का जो गवर्नमेंट ने छूट दी है उस पर भी लोगों को करें, और माफ़ हो जो गवर्नमेंट ने बजट में माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारे डिमांड्स के दिन जो किया है उसको सबको बता रहे हैं। तो मोटे तौर पे जो नगर निगम की एडीए की या जिसकी जो ड्यूटी हो बेहतर तरीके से करने के सदैव प्रयास रहते हैं, और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं चाहे पीएचईडी पीडब्ल्यूडी हैं चाहे दूसरे हैं, तो सब एक समन्वित टीम के रूप में कार्य करें, वो बड़ी बात है। उसमें आप अगर जैसे यहाँ एसडीओ मैडम है, सीजे डॉक्टर, उनको हमने जिम्मेदारी पर हॉस्पिटल में देखो क्या आवश्यकता है, या जैसे सीओ एसीओ मैडम है ये पूरा कर रही है, क्लर्क साहब इनका पूरा देखने का कोऑर्डिनेशन का काम है, तो समन्वित रूप से बेहतर करने का प्रयास एक सदैव अनवरत प्रक्रिया, इसको बिल ट्राई कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो एडीए नहीं, दोनों है प्राइवेट बिल्डर नहीं, उसमें दोनों है एक्चुअली। कुछ जो नए मकान है वो एडीए देखती है, और उसके अलावा जो ऑलरेडी सर्वे हुआ उसमें बीएलसी चार कंपोनेंट है उसमें, तो एक तो जो मकान बने हैं उसमें राजीव आवास भी थी, इसमें तीन चार स्कीम्स थी इसमें अलग, कभी एडीए में यूडीएस सेक्रेटरी देखते हैं तो हम लोग साथ ही बैठ के इसका रिव्यू करते हैं, अभी वीसी भी लिए थी। तो जो मकान बन गए वो टाइम पे अलॉट हो के लोग उसमें रहे, और जो मकान उसमें है कि जिसका मान लो अर्बन एरिया में मकान है और पट्टा है, तो उसको 1.5 लाख तक वो परिवार, एक परिवार रहता है, उसके बेटे भी हो गए, बालिक हैं, तो गाइडलाइंस है, उसको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। आपने भी एक सर्कुलर जारी किया था एनक्रोचमेंट और रेजिडेंशियल में कमर्शियल गतिविधि रोकने का, सर्कुलर है गवर्नमेंट का डायरेक्शन की बेसिकली है। डिपार्टमेंट ऑफिसर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, एक्सियंस हैं, जो बीट सिस्टम है वो एक्टिव हो और देखे और रेगुलर मॉनिटरिंग करें। कोऑर्डिनेशन का हाल तो ये है, कल मेन स्टेशन रोड पर फोड़ डाला और नगर निगम की सीईओ को पता नहीं और एक्सियंस को फोड़ डाला, दिखवाएंगे हम आगे से ध्यान रखें इनका इंस्ट्रक्शन।